अच्छा, सुंदरकांड की पहली चौपाई कौन है, बस इसी की व्याख्या कर दूं, पहली चौपाई। हाँ, अब सुन लो बस, 5 मिनट में सुंदरकांड का रहस्य, पूरा रहस्य पहली चौपाई से ही। जामवंत के वचन सुहाए, ध्यान से सुनना, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। यही चौपाई है कि नहीं? सुंदर कांड में बोलने की शुरुआत किससे हुई? जामवंत से हुई। अच्छा, सुनने वाली शुरुआत किससे हुई? हनुमान जी से हुई। जामवंत किसकी भूमिका में है? वृद्ध की भूमिका में। हनुमान जी किसकी भूमिका में है? नौजवान की भूमिका में, अतुलित बलधामम। बोलो है कि नहीं? तो सीधा सा अर्थ यह है कि अयोध्या का बाल कांड, भगवान की बाल लीला बाल चरित्र, अयोध्या कांड में महाराज दशरथ का मरण, भरत जी के चरित्र का विस्तार, चरण पादुकाओं को लाना और राज सिंहासन पर स्थापित करना आदि आदि, अरण्य कांड में कौन नहीं जानता है सीता जी का हरण, गिद्धराज जटायु का उद्धार, किष्किंधा कांड में हमने आपको बताई दिया राम जी की सुग्रीव जी की मित्रता और बाली का निधन, ये सुनाया, सुनाया कि नहीं सुनाया? लेकिन सुंदर कांड में ये सब कांड समझ में आ रहे हैं। लंका कांड में, लंका में युद्ध हुआ राम रावण का, लंका में हुआ लंका कांड, उत्तर कांड, सारे प्रश्नों का उत्तर उत्तर कांड में मिल गया। लेकिन बीच में ये सुंदर कांड, सुंदर और कांड, और सुंदर कांड में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई कि नहीं हुई? बोलो, 75% राक्षस मरे इसी कांड में, 25% लंका कांड में मरे, 75% जिस कांड में राक्षस मरे हों। अच्छा, पूरी लंका में आग लगी किस कांड में लगी? बोलो, पूरी लंका जल के खाक हो गई सुंदरी कांड में। लेकिन अगर पूरी लंका में आग लगी, वो लंका जल के खाक हो गई, 75% राक्षस मर गए, तो तुलसीदास जी को लिखना चाहिए था भीषण अग्नि कांड, लिखना चाहिए था कि नहीं? लेकिन भीषण अग्नि कांड ना लिख के इस कांड का नाम क्या रखा? सुंदर कांड। तो इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी लेकिन फिर भी सुंदर कांड कैसे? गोस्वामी जी ने कहा इस चौपाई से अर्थ निकाल लेना, सारांश समझ में आ जाएगा, इसी चौपाई के आधार पर इस कांड का नाम हो गया सुंदर कांड। जामवंत के वचन सुहाए, ओ सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। गोस्वामी जी ने कहा इस कांड की बोलने की शुरुआत जामवंत जी से हो रही है, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, और सुनने की शुरुआत हनुमान जी से हो रही है। हनुमान जी हैं अतुलित बल के धाम, नौजवान की भूमिका में। तुलसीदास जी ने कहा जिस समाज में बूढ़े की बात नौजवान सुनता हो, उस कांड में नौजवानों के द्वारा सुंदर सुंदर कांड ही होते रहेंगे, और सदा सुंदर कांड ही होते रहेंगे। अगर वृद्धों की बात नौजवान सदा मानते रहे तो उनके हाथों से सुंदर कांड होंगे कि नहीं होंगे? कोई भीषण विभत्स कांड नहीं होंगे। याद रखना, आज नौजवानों की बात कोई सुनना नहीं चाहता है, इसलिए ना सुनने के कारण नौजवानों के द्वारा विभत्स कांड होते हैं कि नहीं होते हैं? और यदि समाज के नौजवान आज संकल्प ले लें, इस भरी सभा में, इस विशाल यज्ञ में संकल्प ले लें कि हम हमेशा जो भी कार्य करेंगे वृद्धों को प्रणाम करके और वृद्धों की आज्ञा को स्वीकार करते हुए करेंगे, उनके हाथों से सदा सुंदर कांड ही होते रहेंगे। इसलिए हनुमान जी बूढ़े की आज्ञा लेकर के जा रहे हैं, हनुमान जी के हाथों से जो भी कांड हुआ उसको सुंदर कांड से जोड़ा गया। एक और अर्थ 2 सेकंड का, क्यों, मूल बात बता दी मैंने कि नहीं बता दी? अच्छा, दूसरा अर्थ क्या है? बोले जामवंत के वचन सुहाए, ओ सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। ये सुहाए क्या है और भाए क्या है? भाए और सुहाए में अंतर है। जो सुहाए है वो भाए नहीं, और जो भाए है वो सुहाए नहीं। आप कहोगे महाराज जी सुहाए क्या है भाए क्या है? सुहाए मानी सुंदर लगना, और भाए मानी हमारे अंकुर। जैसे 56 प्रकार का व्यंजन थाली में परोस दिया जाए, और 56 प्रकार के व्यंजनों को हम देखें, रसगुल्ला सुहाए बहुत अच्छा, लड्डू सुहाए बहुत अच्छा, कलाकंद सुहाए बहुत अच्छा, जलेबी सुहाए बहुत अच्छा, सुहाए, लेकिन खाइए बोले भाए नहीं, क्योंकि डायबिटीज है, इसलिए सब सुहाए लेकिन भाए नहीं। क्यों नहीं भाए? बोलो, क्योंकि डायबिटीज है इसलिए भाए नहीं। तो भाए क्या? बोले चटनी रोटी मिल जाए तो भाए,
चटनी रोटी खाने को मिल जाए तो भाई हनुमान जी को जितने भी वचन जामवंत जी ने कहे वो सब सुहाए तो थे लेकिन भाए नहीं, एक ही वचन भाया। वो क्या भाया, बस दो मिनट की बात है, सुना दूं क्या? सुंदरकांड पूरा हो जाएगा क्योंकि मैंने कहा था आपसे कि सुंदरकांड भी सुना दूंगा। चिंता मत करो, बिल्कुल तुम तो बैठे रहो, हम मूड में बैठे हैं, सुनाते ही रहेंगे, तुम चिंता मत करो। और तुम लोगों ने भी देखो तो सन्नाटा छाया हुआ है, कहीं से कोई उथल पुथल दिखाई नहीं दे रही है, एकदम सब तटस्थ भाव से बैठे हुए। पांच, दो मिनट की बात है, पांच मिनट बाद आरती ही शुरू हो जाएगी। और थोड़ा जो मुस्लिम समुदाय के द्वारा सम्मान की बात मेरे सामने आई, उनके सम्मान को मैं मंच पर हजारों के बीच में स्वीकार करूंगा। और जो भी अन्य व्यवस्थाएं और भी मंच की हों अथवा जो भी समिति के लोग चाहते हों वो सारी की सारी व्यवस्थाओं को हम स्वीकार करेंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद, तीन चार मिनट बाद, ध्यान से सुनना, भाए क्या है और सुहाए क्या है। सुहाए ये था कि जैसे आप किसी की प्रशंसा, वास्तविक प्रशंसा कर रहे हैं तो वो सुहाए है नहीं, सुंदर है। यदि आप मिथ्या प्रशंसा कर रहे हैं तो अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि झूठ बोलना, मिथ्या प्रशंसा करना, और यदि आप वास्तविक प्रशंसा कर रहे हैं तो अच्छी लगेगी कि नहीं। तो जामवंत जी हनुमान जी के बारे में जो भी कह रहे थे सुंदर कांड में वो सब सुहाई था, सुहाए था, लेकिन हनुमान जी को अच्छा नहीं लग रहा था। चिंता नहीं करो, हवा पानी भरा है, हवा से गिर जाता है, घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना, ये तो बहुत बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसलिए शांति से सुनना। सुहाए क्या था, हनुमान जी जामवंत जी महाराज हनुमान जी के व्यक्तित्व की बात कह रहे थे। क्या बोले, कहे रिक्षपति सुन हनुमान, काचुक साध रहूं बलवान। तुम्हारे जैसा बलवान चुप्पी साधे बैठा, ये अफसोस है। अच्छा सही बताओ ईमानदारी से, हनुमान जी से बड़ा बलवान है कोई दूसरा? और जामवंत जी यदि बलवान कह रहे हैं तो वास्तविक प्रशंसा है कि मिथ्या प्रशंसा है? वास्तविक प्रशंसा है। हनुमान जी कुछ नहीं बोले, क्योंकि सुहाए है लेकिन भाए नहीं है, इसलिए चुपचाप बैठे। फिर जामवंत जी ने कहा, पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। बोलो भाई, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, जो भी जामवंत जी कह रहे हैं वो सत्य है कि नहीं? बोलो, है सत्य कि नहीं? सुहाए है लेकिन हनुमान जी कुछ नहीं बोल रहे हैं इसलिए भाए नहीं। जामवंत जी ने फिर तीसरी बार कहा, कवन सुकाज कठिन जग माही, ओ जो नहीं हो ये तात तुम पाही। कौन सा ऐसा कार्य है? अरे भाई कोई बात नहीं, पानी बरस नहीं रहा है, ये पानी जो पांडाल में है वो पानी जो है थोड़ा सा हवा के वेग के कारण नीचे आ रहा है, इसलिए घबराओ नहीं, चिंता मत करो, बिल्कुल नहीं घबराना है। हनुमान जी की बात हो रही है ना, तो इसलिए पवन तनय बल पवन समाना, ये चौपाई का प्रभाव है, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना, ये चौपाई का प्रभाव है, इसलिए उस चौपाई ने अपना प्रभाव दिखा दिया है, इसलिए चिंता नहीं करना है, आराम से बैठ जाओ। पानी अपना काम करे, वाणी अपना काम करेगी, पानी को अपना काम करने दो, वाणी को अपना काम करने दो, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से बिल्कुल तटस्थ होकर के खड़ी रहो, चाहे बैठ जाओ, बैठ जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा, और शांति से, कोई बात नहीं है। पानी तो थोड़ा बहुत आता ही रहता है, बरस नहीं रहा है, जो भरा हुआ है वो हवा के वेग से आ रहा है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, चिंता मत करो। पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। लेकिन हनुमान जी फिर भी कुछ नहीं बोले, हनुमान जी चुपचाप रहे। अब आप विचार करना कि इतना जामवंत जी कह रहे, हनुमान जी चुपचाप हैं, कुछ प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, कारण क्या है? कारण यही है, सुंदर कांड संकेत दे रहा है कि जामवंत जी यथार्थ प्रशंसा तो कर रहे हैं लेकिन हनुमान जी को वो वचन भा नहीं रहे हैं, वचन सुहाए हैं लेकिन भा नहीं रहे हैं। तुलसीदास जी से पूछा, जब वचन सुहाए हैं, वास्तविकता है, तो हनुमान जी को क्यों नहीं भा रहे हैं? तुलसीदास जी ने कहा, इसलिए नहीं भा रहे हैं क्योंकि हनुमान जी की ही प्रशंसा कर रहे हैं जामवंत जी, और हनुमान जी अपनी प्रशंसा सुनने के आदि नहीं हैं। यदि हनुमान जी को कोई जगाना चाहता है, प्रभावित करना चाहता है, तो हनुमान जी की प्रशंसा ना करके श्री राम जी की प्रशंसा शुरू कर दे तो हनुमान जी जाग जाते हैं, यही है भाए। और जैसे ही जामवंत जी ने चौथी बार में कहा, राम काज लगे, अब हनुमान जी गर्दन उठाया, देखे देखे
देखो पावर सप्लाई हो गया कि नहीं, हो गया, हो गया कि नहीं, क्योंकि प्रशंसा राम जी का नाम लिया, राम काज लग, अरे तू ये अवतारा, तो सुनते हैं भय पर्वताकार, सुनते ही हनुमान जी ने पर्वताकार शरीर बना लिया। सीधी सी बात यह है कि तुम्हारा अवतार राम काज के लिए हुआ है, राम काज करने के लिए तुम आए हो, और जैसे ही राम काज की बात सुनी तो ये वचन भाए, और जैसे ही भाए तो सीधे पर्वताकार शरीर बना लिया। पर्वताकार शरीर का मतलब है उत्साह है। क्या मतलब है? उत्साह है, इसलिए इतना उत्साह बढ़ गया, इतना उत्साह बढ़ गया कि राम काज करने का संकल्प ही ले लिया। बूढ़े जामवंत जी महाराज आज्ञा दो, जामवंत में, अब एक और बात सुन लो, एक मिनट की, ठीक है ना, मतलब बढ़ा नहीं रहा हूं, बस केवल सुंदर कांड का महत्व, और इस चौपाई में क्लियर हो जाएगा। जैसे ही पर्वताकार शरीर माने ऊंचे हो गए, ऊंचे हुए तो हनुमान जी ने लाल आंखें कर ली, समुद्र की ओर देखा, तो किसी ने कहा, बंदरों ने कहा, समुद्र की ओर क्यों देख रहे हो? हनुमान जी ने कहा कि मेरा मन है कि मैं समुद्र को पी जाऊं। बंदर बोले पी जाओ तो हम लोग भी चले चलेंगे पीछे से, क्योंकि जब तक इसमें पानी है तभी तक की समस्या है, और कहीं अगर तुमने पी लिया तो समस्या का समाधान हो जाएगा, पी जाओ। जामवंत जी ने कहा खबरदार, सावधान, पीना नहीं है। देखो ये नौजवान सब पिलाने की बात कर रहे थे, और बूढ़े जामवंत जी रोक रहे थे कि नहीं रोक रहे थे? यही है सुंदर कांड प्यारे। अगर जोसई जोश में हनुमान जी को ये बंदर समुद्र पिला देते तो अगस्त ने तो पीने के बाद छोड़ भी दिया था, हनुमान जी पी जाते तो पिए ही जाते, फिर बाहर नहीं निकालते। और याद रखना, अगर समुद्र का पानी हनुमान जी पी जाते तो क्या बादलों को पानी मिलता? मिलता। और बादलों को पानी नहीं मिलता तो ये बरसता क्या? कभी नहीं बरस सकता था, इसलिए ना तो बादलों को पानी मिलता, ना पानी बरसता, सृष्टि सूखी हो जाती, सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता। लेकिन जैसे ही जामवंत जी महाराज ने कहा पीना नहीं है, फिर इसको लांघना है, और लांघने के बाद क्या करना है? बोले इतना करना है कि इतना करहू तात तुम जाई, और सीत ही देख कहू सुधि आई। केवल समुद्र लांघना है, सीता जी की सुध भगवान राम को सुनाना है, इतना करना है। तो जामवंत जी की बात को हनुमान जी ने माना कि नहीं माना? इसलिए समाज में तुम चाहे जितने प्रभावशाली क्यों ना हो जाओ, चाहे मुख्यमंत्री बन जाओ, चाहे प्रधानमंत्री बन जाओ, चाहे राष्ट्रपति बन जाओ, कोई भी कार्य करो, इस बात का ध्यान रखो, तभी तुम प्रदेश का उत्थान कर पाओगे, तभी देश का उत्थान कर पाओगे, जब तुम अपने से बड़ों की आज्ञा को सरोधारी करते रहोगे, बुजुर्गों का सम्मान करते रहोगे, तो तुम्हारे हाथों से सदा सुंदर कार्य होते रहेंगे, तुम्हारे हाथों से सदा सुंदर कांड होते रहेंगे। यही सुंदर कांड का मूल तात्पर्य है, जो मैंने तीन चौपाइयों में मूल सारांश व्यक्त कर दिया, आप सबने सुना। अब ओहो, आज तो बज गए 6:30, पूरे कंप्लीट 6:30। ना बादल माना ना हम माने, क्यों? बादल गड़गड़ाता रहा और हम भी गड़गड़ाते रहे, क्यों भाई? बादल नहीं माना, हम नहीं माने, लेकिन हमने आपको सुंदर कांड का भी सारांश थोड़ा सा बता ही दिया। कल से इस